नमस्कार, आप देख रहे हैं दावरी न्यूज़। मैं आपका अपना देवेंद्र कुमार। खबर हमीरपुर से, डबल मर्डर का एसपी दीक्षा शर्मा ने किया खुलासा। चोरी करने घर में घुसे बदमाशों ने भाई बहन की थी हत्या। मुठभेड़ के दौरान मुख्य आरोपी पूरन तमंचे के साथ गिरफ्तार। 33,000 कैश जेवर सामान किया बरामद। मौधा के लदार चौराहे पर बदमाश और पुलिस के बीच हुई मुठभेड़। बीमार के पारा गांव में सगे भाई बहन की घर में की थी हत्या। 8 तारीख को पुलिस को थाना व्यवहार की पुलिस को सूचना मिली कि वो डेड बॉडीज एक पारा गांव में मिली। उस दिन से सारी टीम को एक्टिवेट कर दिया गया था। ह्यूमन इंटेलिजेंस और अपना टेक्निकल सर्विलांस सब तक पुलिस लगातार काम कर रही। आज फाइनली पुलिस ने उसका सफल अनावरण किया है। उसमें 100 लोग गिरफ्तार हुए हैं। पूरन बारा गांव का ही रहने वाला है, जो कालीन कोतवाली महोबा का रहने वाला है। इन दोनों को गिरफ्तार किया गया है पुलिस मुठभेड़ में, जिसमें कि पूरन को गोली लगी है और अभी वो उपचाराधीन है अपने जिला चिकित्सालय में। इन लोगों से पूछताछ में अभी तक की जो पूछताछ हुई है उसमें उन्होंने बताया है कि ये 6:45 की रात को इस घर में चोरी के टेंशन से घुसे थे, क्योंकि ये दोनों लोग जो मृतक और मृतिका है उनको पहचानते थे। इन्होंने इसलिए चोरी, जब वो लोग जाग गए थे तो चोरी तो ये लोग उनको पहचान जाएंगे इस डर से उन्होंने दोनों की गला घोट के हत्या कर, कपड़े से गला घोट के हत्या कर दी। जितना भी चोरी का सामान इनको वहाँ मिला था वही लेकर चले गए। इसमें से अभी पुलिस ने हाल फिलहाल इन लोगों से टोटल में 33,000 रुपये और कुछ चांदी का जेवरात जो इन्होंने उसी महिला के घर से उठाया था वो बरामद किया। नगद 33,000 रुपये बरामद हुए हैं। मृतक और मृतका के पैन कार्ड भी इनके पास से बरामद हुए हैं जो ये लोग घर से ही ले गए थे। और उसके अलावा चोरी चांदी के कुछ आभूषण हैं जिनकी अभी अनुमानित लागत तो नहीं पता, बट काफ़ी सारे आइटम हैं जिसमें कि पीछे चांदी पायल और ये सब बरामद का एक अभियुक्त। इसमें एक साथी और था जो अभी फरार है, जिसका नाम पता तस्दीक किया जा रहा है। अभी जो उन्होंने बताया उसका नाम है राजेंद्र, जो कि फतेहपुर का रहने वाला है। उसका नाम पता तस्दीक किया जा रहा है।